तो जो ज्यादा इंपैक्ट होगा जो ज्यादा फोर्स होगी वो कौन लगाएगा स्टूडेंट्स हैवियर वन तो इस फीचर को क्या कहा गया स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम कि जिस बॉडी की इफेक्टिवनेस ज्यादा हो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है फोर्स की स्मॉलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होती है ज्यादा होती है इस इम्पैक्ट को क्या कहा गया स्टूडेंट्स मोमेंटम बॉडी जितनी हैवियर होगी उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंटम पी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड एंडसटी इन दिस एक्सप्रेशन वी इज द विलॉसिटी ऑफ द मैस वी क्या है वी जो कि किसकी है ऑब्जेक्ट की या मैथ की लीनियर मोमेंटम पी इज देर अ वेक्टर क्वांटिटी कोंटिटी मोमेंटम क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये किसके सिमिलर है वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो यूनिट है इसकी वो क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इट कैन बी एज न्यूटन इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड्स में भी एक्सप्रेस करते हैं हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अब देखते हैं कि मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ का आपस में क्या ताल्लुक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैथ एंड एक्से न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको मैथ और एक्सेरेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सेरे इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी यानी कि जब टाइम चेंज होगा तो हमारे पास मैथ क्या रहेगा कॉन्स्टेंट सो इक्वेशन 1 बिकम्स जो इक्वेशन है so, so हमारी क्या बन जाएगी स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा बी एवर डेल्टा टी हम लोगों ने क्या किया अपनी इक्वेशन एफ इज टू एम ए के अंदर ए की वैल्यू को पुट कर दिया डेल्टा v ओवर डेल्टा टी इस वैल्यू के अंदर आ जाएगा विच गिव्स डेल्टा को हम लोग साइड पे कर लेंगे और साथ क्या आ जाएगा एम वी ओवर डेल्टा टी ये एम वी हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स पी मोमेंटम के P, K, जो कि हम लोगों ने पीछे प्रूव किया है सिंस एम वी इज डिफाइंड एज ए मोमेंटम जैसा कि कहा गया कि एम बी किसके होगा पी मोमेंटम के तो जब इसको हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी दिस इक्वेशन मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो मोमेंटम है वो किसके साथ कनेक्टेड है फोर्स के साथ के जो बॉडी है उसका जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स उतनी ही ज्यादा वो फोर्स इंपैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर